नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर और लहसुन की चटनी। तो फैन को हम गैस में चढ़ा दिए हैं, अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को मैं क्रश कर ली हूँ और लहसुन को हम 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो लहसुन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज को डालेंगे। प्याज को हम पका लेंगे 3-4 मिनट। गैस के फ्लेम को मैं मीडियम कर दी हूँ। 3-4 मिनट हो गया है तो प्याज भी पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यह ठंडा हो गया है, अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लिए हैं।